नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाते, बोलने की इजाजत नहीं दी जाते, ये मुझे तजुब लगता है। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला, पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजहार दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का, पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो, ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी, पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी उनकी वहां या कर सकती थी वो। मुझे लगता है जो आज जो देश में राहुल गांधी जी को जो राहुल गांधी जी को लेकर जो वाहवाह हो रहे हैं, राहुल गांधी जी की इस तरीके की सारे हिंदुस्तान में विपक्ष की एक नेता की जो हसियत से उन राहुल गांधी जी जिस तरह की प्रकट होते हैं, और हिंदुस्तान के आम लोगों को राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की टिकी हुई है, उसमें इनकी मन में जलन पैदा शुरू हो गई है कि ऐसा ही महिला किसी की अच्छा, उनके अलावा किसी के अच्छा देखने के लिए वो कभी मतलब नहीं मन बनाती है। तो राहुल गांधी जी की सारे हिंदुस्तान में अपने जो हमारा देश की जो सियासत, इस सियासत में जिस तरीके की उनकी मतलब प्राथमिकता दिए जाते हैं और जिस तरीके उनके लिए सारे देश में चर्चा हो रही है, इसमें ममता बनर्जी की शायद जलन थोड़ा जोर से ज्यादा हो गई है।